तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में इस बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर एडमिशन दी जाएगी, बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना पीना, कोचिंग। तो मैं समझता हूँ कि शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल की ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है और हासिल याबी है सकलैन तारिक के बाद, कि बच्ची जो है हमारी इस वक्त अब कौमी सतह पर, राष्ट्रीय सतह पर एक सितारे की तरह जो है वो चमकने जा रही है, जिसके लिए मैं चेयरमैन शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब तारक खान साहब को दिल की अमीक गहराइयों से खुशामदीद इनका मैं इनकी तारीफ करता हूँ और इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, दिल की अमीक गहराइयों से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और बाकी बच्चों से मैं कहूँगा कि आप सकलैन और पायल से तरगीब लेकर, इंस्पिरेशन लेकर, प्रेरणा लेकर के आप भी आगे बढ़ें और इनके लेवल, इनके स्तर तक आप पहुँचें। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे पुंछ को और बिलखसूस जम्मू कश्मीर की वॉलीबॉल जितनी फैमिली है सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जैसा कि आपको पहले भी पता है कि शहीद मनजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब ने पहले भी वॉलीबॉल में हिस्ट्री क्रिएट की है सकलैन की सूरत में, तो आज उसी हवाले से आप देख रहे हैं कि हमारी गर्ल्स सेक्शन में भी जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी वीमेन सेक्शन में ना इस इंडिया कोचिंग कैंप के लिए आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, तो ये पहली गर्ल्स है जो के जम्मू कश्मीर की जो इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुई है, जिसका नाम पायल शर्मा है, जो कि पुंछ शहीद मनजीत सिंह वॉलीबॉल क्लब के ग्राउंड से तल्लक रखती है। मैं समझता हूँ कि ये मेरा नाम पायल शर्मा, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। सबसे पहले तो मैं कोच साहब का थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, छोटी से छोटी बात बताई, हर कुछ बताया और इंडिया टीम के लिए मुझे ट्रायल के लिए तैयार किया, मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी और कोच साहब के लिए बहुत फख्र की बात है। तो मैं कोच साहब को दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहना चाहूँगी।